जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं, ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं और हम पत्रकारों के साथ हैं। और आज पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इसको लेके जो पत्रकार किसानों के हक में लिख रहे हैं, उनके ऊपर बार जगह जगह हमले किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो बोला जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। हम उन तमाम लोगों के जो इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो लोग हैं इस आंदोलन के अंदर लगे हैं, और इस आंदोलन में लगे हुए सभी पत्रकार जो साथी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी सपोर्ट करेंगे, और ऐसे लोगों का खिलाफ़ जो है हम कार्रवाई भी करेंगे। और प्रशासन से भी हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे जो लोग हैं जो पत्रकारों के खिलाफ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर ये खुल के पत्रकारों के साथ बदतमीजियाँ कोई करेगा, तो ये तो कहीं भी जाके कोई भी पत्रकार है वो सुरक्षित नहीं होगा। आज जो पत्रकार खबरें जो लगाता है, वो एक बहुत जोखिम का काम होता है, और उसके जाके वो कहीं भी जाके एक न्यूज़ का बनाता है, और कहीं रिपोर्टिंग करता है जाके, जो कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं पे कोई और इस तरीके की घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को जो उजागर करने का काम करता है। और इस तरीके से अगर पत्रकारों पे हमले होंगे, तो ये रिपोर्टिंग जो है वो करना पत्रकार के लिए मुश्किल होगा। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी से भी मिले थे, जहाँ डीएसपी साहब के पास है, क्या कहना चाहेंगे आप? एसपी साहब से, प्रशासन से भी हम बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं पत्रकारों के साथ जो इस तरीके की बदसलूकी कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम सब पत्रकारों के साथ हैं। पक्का मोर्चा का एक शख्स बिंदर सिंह वैदवाला है, वो बार बार पत्रकारों को बिकाऊ कहता है, ये चीज़ें कही जाती है, क्योंकि उसका वर्जन नहीं लगता है, गुरदीप जी का वर्जन लगता है, तो इस तरह का क्या मतलब वो स्टेज पर ये जो लोग हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, और बीजेपी ने ऐसे एजेंट जो सरकार ने छोड़ रखे हैं, वो यहीं नहीं है, पूरे देश के अंदर इस तरीके के लोग छोड़े हुए हैं, जो जगह जगह जाके किसान आंदोलनों को बदनाम करना, किसान आंदोलन के खबर लगाने वाले पत्रकारों के साथ बदसलूकियाँ करना, तो ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, और इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसे सर लोगों का किसानी स्टेज पर बोलना ठीक है? नहीं नहीं उनका लोगों का बायकॉट किया हुआ है, ऐसे लोग किसानी स्टेजों पे नहीं बोल सकते। क्या मानते हैं ये आंदोलन को तोड़ने के लिए बीच में आते हैं? बिल्कुल, ये तो सरासर साजिशें हैं आंदोलनों को तोड़ने के लिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ जब ये मोर्चे लगे हैं, तो शुरू दिन से यहाँ पर प्रयास हो रहे हैं इनके खिलाफ। यहाँ पर हमारे खिलाफ भी पैरेलल धरने चलाए गए हैं, और यहाँ पर जब लोग आते हैं उनके साथ भी बदतमीजियाँ, जो साथी आप जैसे पत्रकार जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ भी बदतमीजियाँ की जाती है। तो ये बिल्कुल आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए इस तरीके की साजिश की जा रही है। जो सर किसान अंदोलन नू नहीं दिखा रहे, उन्होंने गोदी मीडिया का नाम दिता गया, लेकिन पक्के मोर्चे की कवरिंग हो रही है, तो पक्के मोर्चे का विकाऊ मीडिया मतलब पत्रकारों नू बोलिया जा रहा है, की कहना चाहो? गोदी मीडिया का जो कहा जा रहा है पूरे देश में, वो कॉरपोरेट घरानों के कुछ बड़े चैनल हैं, जिन चैनलों का काम सिर्फ और सिर्फ जो है किसान आंदोलन की बुराई करना है, उनके बारे में कहा गया है, बाकी किसी पत्रकारों के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। बाकी तो संयुक्त मोर्चे ने भी इसके ऊपर बयान दिया है, संयुक्त मोर्चे की तरफ से भी एक्शन लिया गया कि ऐसे वैदवाले कहना है कि ये पक्के मोर्चे का विकाऊ मीडिया है, बाबे गुरदीप का विकाऊ मीडिया है, मतलब इस तरह दिया पद्धर टिप्पणियां हो रही हैं, कि बिल्कुल उनकी मैं पहले कह चुका हूं कि ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं, और ऐसे जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ जो है पर्चे दर्ज होने चाहिए ऐसे लोगों के। बिल्कुल करेगा, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी करेगा, उन लोगों का बहिष्कार किया जाएगा, उन लोगों का साथ नहीं दिया जाएगा। पत्रकारों के आज कल भी हम साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े हैं, और आगे भी हम पत्रकारों के साथ खड़े रहेंगे।